इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। फिलिस्तीन अपने देश पर कब्जा करने का आरोप इसराइल पर लगाता है, तो वहीं इसराइल फिलिस्तीन के ऊपर अक्सर बमबारी करता रहता है। ऐसी ही खबर मधेपुर से फिर से आई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। इसराइल की सेना ने गुरुवार को देर रात गाजा पर एक बार फिर हवाई हमले शुरू कर दिए। इस हमले में हमास के प्रशिक्षण स्थल बर्बाद हो गए, साथ ही गाजा के उसके दो सुरंग, दो हथियार ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके देश के दुश्मन किसी भी आक्रामकता के लिए कीमत चुकाएंगे। दरअसल इसराइल का यह एक्शन उनके दक्षिण प्रांत में हमास द्वारा दागे गए रॉकेट हमलों का जवाब है। इसराइली सेना ने कहा कि लेबनान ने इसके इलाकों में 34 रॉकेट दागे। हालांकि इसराइली सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने 24 रॉकेट को हवा में ही नस्तो नाबूद किया था। आपको बता दें कि हाल ही में इसराइल सैन्य हमले के बाद गाजा में विस्फोट की कई खबरें आईं। इसराइली सेना के कई युद्धक विमानों ने गाजा पट्टी के ऊपर से उड़ान भरी। प्रारंभिक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अभी तक किसी के हताहत होने की या घायल होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन मिसाइल हमले में कई स्थलों को टारगेट किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इसराइली सेना द्वारा किए गए हवाई हमले में उत्तरी गाजा पट्टी में बेत हनून में कृषि भूमि, गाजा शहर के दक्षिण में दो स्थान, गाजा शहर के पास अल जैतून पड़ोस के पूर्व में खेत और दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस के पूर्व में एक स्थल को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने गाजा में दो सुरंगों को बर्बाद कर दिया और दो हथियारों के ठिकानों को भी नस्तो नाबूद किया। AFP यानी कि एजेंस फ्रांस प्रेसे समाचार एजेंसी ने कहा कि एक फिलिस्तीनी सुरक्षा स्रोत ने संकेत किया है कि हमले में हमास के प्रशिक्षण स्थल प्रभावित होने की खबरें सामने आई थी। ये खबर आपके लिए लेकर आया था खबर बेबाक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर भी करें, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।